हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की हमारी रेसिपी है कढ़ाई पनीर। अगर आपके पास ग्रेवी बनाने के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको काजू बादाम का पेस्ट यूज करना है या फिर मगज का यूज करना है, कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, तब भी आपको पनीर की रेसिपी बनानी है, तो देखिए आपको किस तरीके से बनाना है। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ऑयल गर्म होने के बाद देखिए हमने इसमें जीरा को ऐड कर लेना है। फिर जीरा फ्राई हो चुका है, इसके बाद हमने इसमें चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली को ऐड कर लिया है, देखिए इस तरीके से। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर को ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से फ्राई कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें टोमेटो को ऐड कर लेना है, जिसको हमने पहले ही चॉप कर लिया था। फिर आप देख सकते हैं हमने इसमें सॉल्ट को ऐड कर लेना है। फिर हम इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। देखिए 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है, इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। देखिए अब हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लेना है, साथ में ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड कर लेना है। आप स्पून से मेजर कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं लग रहा है कि आपको कितना मसाला यूज करना है। फिर हमने साथ में ही बॉइल्ड मिल्क ऐड कर लिया है, साथ साथ में ही पनीर मसाला भी ऐड कर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड कर लिया है। इससे कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो हमने इसमें पनीर को ऐड कर लेना है। देखिए अब हमने इसमें पनीर को ऐड कर लेना है। अब आपको समझ जाना है कि 90% पनीर जो है कुक हो चुका है। देखिए अब इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एकदम पनीर कुक हो चुका है, देखिए। एंड गाइज, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही गाइज मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।